हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए नंबर सीरीज की जगह पर, तो वो पांच क्वेश्चन किस प्रकार थे उनको मैं यहाँ पर आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पांच रिलेशन होते हैं, वो आप सबको पता है कि एक्स, या तो मैं यहाँ पर एक बार आपको लिखकर भी दिखा दूंगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको x के दो रूट निकालने हैं। तरीका सबसे आसान यही होगा कि आप 4 और 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 4 इंटू 14। अब ये 14 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ मैं, और 4 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 लिख दूँ, तो ये दोनों हो गया। अब मुझे बीच में 15 बनाना है, तो 15 कैसे बना लूँगा, मैं 15 बना सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब दो दो को एक साथ रख लो, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तीन बार दो को एक साथ रखोगे 8 बन जाएगा, और 7 को अलग रख दो। अब देखो 8 और 7 मिलकर 15 बना रहे हैं, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 14 इंटू 4 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, ये प्लस का है तो ये दोनों वैल्यू प्लस की रख लो, तो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्लस का आएगा, और ऐड करोगे तब भी प्लस के 15 बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू निकल कर आपकी आ जाएंगी। पहली वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पर जो प्लस है तो इसका अपोजिट साइन लेते हैं, हम लेते हैं -8। यहाँ पर प्लस दिया, इसका भी अपोजिट लेना है, ये होगा -7। अब एक्स के कोफिशियंट से इसको डिवाइड करना है, तो इसको आप डिवाइड बाई 4 कर दो, इसको डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, इसको अगर आप काटते हो तो यह आएगा माइनस का 1.1 टाइम जाएगा, फिर ये कितने बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ओके, और फिर ये 5 टाइम्स जाएगा, 1.75 जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं, 6 को लिखने का तरीका क्या होगा, 2 इंटू 3, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 4 से करनी होगी। अब 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, बीच में 11 बनाना है, प्लस का 11, तो आप क्या करो, 2 2 2 ये एक साथ ले आओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ ले आओ, 3 इधर ले आओ, तो ये 8 बन गया और ये 3 बन गया, तो प्लस का 8 प्लस का 3 दोनों को जोड़ो, प्लस का 11, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर बाई के भी दो रूट निकल कर आ गए। प्लस का 8 है तो हम यहाँ पर -8 लिखेंगे, ये प्लस का 3 है तो हम इसको -3 लिखेंगे। 8 को डिवाइड कौन करेगा, बाई का कोफिशियंट, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो। एक चीज मैं बता दूं, जब बाई के भी आगे 6 लिखा हुआ है, एक्स के आगे भी 6 लिखा होता है, तब हम उस केस में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि दोस्तों अगर दोनों साइड में आप इक्वल डिवीजन कर रहे हो तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स के साथ 4 है, बाई के साथ 6 है, इस वजह से मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/6 है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 1.33। ओके, इसको अगर आप कट करते हो तो ये पूरे पूरे कितने बार जाएगा, माइनस का 0.5 टाइम्स चला जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों, माइनस की वैल्यू को कंपेयर करना थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही वैल्यू उस वैल्यू के कंपैरिजन में छोटी हो जाती है। अगर मैं माइनस टू की कंपैरिजन करूं 1.33 माइनस के, तो ये वाली वैल्यू जो है ये बहुत छोटी होगी। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके लिए क्या आएगा, ये आएगा लेस देन का। अब इस माइनस टू को अगर मैं इस माइनस 0.5 से कंपेयर करता हूँ तो ये क्या है, ये वाली वैल्यू भी छोटी होगी इस वाली वैल्यू के कंपेयर में, क्योंकि ये जीरो के ज़्यादा नज़दीक है, ये जीरो से थोड़ा दूर पर है, तो जो वैल्यू जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगी ऑब्वियसली इस वाली वैल्यू के कंपेयर में वो वैल्यू जो है बड़ी होगी। ओके, तो ये माइनस टू जो है ये जीरो से काफ़ी दूर है, ये पास है, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी इसके कंपेरिजन में। इसी तरह से इसको कंपेयर कर लो 1.75 को, ये वाली वैल्यू भी इस कंपेयर में क्या छोटी होगी, दोनों से छोटी होगी, तो यहाँ पर आपका लेस देन आएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, एक्स इज लेस देन बाई। अब माइनस वाला पंगा आप कभी लाइफ में नहीं बोलोगे, एक लाइन याद रख लो, ये लाइन है आपकी, ये आपका जीरो होता है, यहाँ पर 1, 2, 3, ये आपका प्लस 1 चलता है, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक। अगर मैं इधर बात करूँ तो -1, -2 और -3। ओके, अब देखो दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं कहूं कि -3 और -1 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो देखो जीरो के करीब में कौन है, -1 है, तो ऑब्वियसली, और जीरो से दूर क्या है, -3 है, तो अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करूंगा तो जीरो जो -3 है ये छोटा होगा इस -1 के कंपेरिजन में, क्योंकि ये जीरो से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर अगर मैं 0.5 ले रहा था तो वो आपका और इधर आएगा, ठीक है, 0.1 और इधर आएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पर जीरो से जो वैल्यू जितनी दूर जाती है प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो वही वैल्यू उतनी बड़ी यहाँ पर हो जाएगी, 3 बड़ा होगा इस 2 के कंपेरिजन में। तो बस इस वाले साइड में, लेफ्ट साइड में उल्टा होता है, अब आप भूलोगे नहीं कभी ये चीज़, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एक्स के दो रूट आ गए, प्लस 7 और एक क्या आ गया, -7। यहाँ पर देख लो, बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई प्लस 12 है, तो 12 के दो रूट अगर मैं करता हूँ तो एक आएगा 4, एक आएगा 3,
दोनों को जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगे 12 बन जाएगा, तो बाई की भी दो वैल्यू यहां पर आ गई। ये आपका प्लस 4 था, प्लस 3 था, ये कितना हो जाएगा माइनस 4, ये हो गया माइनस 3। ओके, अब यहां पर आप इन दोनों को, ये आपका माइनस 4 या माइनस 3 कंपेरिजन करोगे, प्लस का 7 है वो इन दोनों से बड़ा होगा, माइनस के 7 की अगर मैं बात करूं तो वो जो है इस वाले माइनस 4 की कंपेरिजन में अगर आप बात करोगे, ठीक है, देखो वही वाली स्केल पर फिर अपना माइंड ले जाओ, ये माइनस 1, ये माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5, ठीक है, ये क्या है वैल्यू, ये 0 से काफी दूर माइनस 7 जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी हो जाएगी इस वाले माइनस 4 के कंपेरिजन में, और माइनस 3 से भी छोटी होगी, तो लेस देन का साइन लगा दिया। अब जब दो सिंबल एक साथ आ गए ग्रेटर और लेस के, तब क्या बन जाएगा केस सी एन डी का, तो एग्जाम में 5 जो है ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला ऑप्शन होता है x इज ग्रेटर देन y, एक होता है x इज लेस देन y, एक होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, एक होता है x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, एक होता है x जो है y के बराबर हो या y से ना बराबर हो, अथवा रिलेशन वहां पर ना बन पाए, रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश, जो 5 नंबर वाला आपके लिए ऑप्शन जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों दिया होता है, तो यही 5 ऑप्शन जो है आपको चेक वहां पर करने होते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आसान है, इसको एक बार देख लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 4 से करनी होगी क्योंकि यहाँ पर x के कोफिशियंट के साथ में इस वाली न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, बीच में 11 आपको बनाना है, अभी हम ये पीछे भी कर चुके हैं, तो हमने क्या करा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ ले लिया, 3 को इधर रख लिया, तो ये 8 और 3 11 बन गया, इसका मतलब यहाँ पर हमें प्लस का 8 कर दो आप, प्लस का 8 और प्लस का 3 दोनों की मल्टीप्लाई करो, प्लस का जो है 4 इंटू 6 24 बन जाएगा और दोनों को जोड़ोगे प्लस 11 बन जाएगा, तो x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों क्या होंगी, इसका अपोजिट साइन माइनस 8, इसका अपोजिट साइन माइनस 3, x के कोफिशियंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, यहाँ देख लो 3 इंटू 2 ये कितना हो गया 6, अब इसमें आपको 5 बनाना है, तो आप क्या करो 3 2, ये आपका बन रहा है, तो आप इसको ऐसे रखो क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 2 यहाँ पर मैंने ले लिया, मतलब बाई की जो दो वैल्यू निकल कर आई वो क्या होगी, एक माइनस 3 होगी, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का 2 माइनस 2 हो गया, अब ये बाई के कोफिशियंट से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3 दोनों जगह, अब यहाँ पर भी सेम वही केस बन गया, ये क्या बनेगा माइनस का 1.33, ये अभी हमने पीछे भी किया था, ये आपका माइनस का 0.5 बन गया, यहाँ पर देखोगे माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर देखोगे माइनस का 0.666 ये बनेगा। इस वाली वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सेम आपका फंडा भाई है, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के कंपेरिजन में छोटी होगी, ओके, और इस वाली वैल्यू से भी ये छोटी होगी, ठीक है, आगे अगर मैं माइनस डॉट 5 की बात करूं तो ये इस माइनस 1 से काफ़ी बड़ी होगी, तो यहाँ पर बड़े का सिंबल आ गया, दो सिंबल आ गए, तो फिर आपका केस क्या बन जाएगा सी एन डी का, तो x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं छूटता है। दोस्तों इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, मतलब इस 15 के फैक्टर आपको करने के माइनस 8 बन जाए, अपने आप माइंड में तुरंत आ जाएगा कि 5 और 3 यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन माइनस का 8 बनाना है तो यहाँ पर भी माइनस ले लो, यहाँ पर भी माइनस ले लो, अब अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 15 बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 8 बन जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब x के दो रूट आ गए, माइनस 5 का जो है सिंबल अपोजिट करना है, ये कितना प्लस 5 आ गया, ये भी आपका प्लस का 3 आ गया, यहाँ पर देख लो 15 में आपको यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 15 है, तो 4 को क्या लिख दो 2 इंटू 2 लिख दो, 15 को क्या 3 इंटू 5 लिखोगे, बीच में 17 आपको बनाना है, तो आप क्या करो कैसे बना सकते हो, मैं क्या करूँगा 2 इंटू 2 4 हुआ, इधर 3 साथ में ले आऊँगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एक साथ ले आऊँगा, ये 12 बन गया और यहाँ पर 5 रखो, तो 12 और 5 17 बन गया, अब ये माइनस का 12 ले लो, माइनस का 5 ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 15, दोनों को जोड़ोगे माइनस का 17, तो यहाँ पर 22 जो है ये 2 आ गए, अब देखो माइनस का 12 इसका सिंबल अपोजिट करना होगा, प्लस का 12 हो जाएगा, ये भी प्लस का 5 हो जाएगा, बाई के कोफिशियंट से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 4, डिवाइड करना मत भूलना, ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये 4 से करोगे 3 बार जाएगा, 4 से अगर इसको काटोगे तो 1 पॉइंट ये कितने बार जाएगा, एक बचा तो 2 बार गया, ठीक है, तो ये 1.25 आ गया, 5 जो है वो इस वाली दोनों वैल्यू से बड़ा है तो बड़े का सिंबल लगा देंगे, 3 जो है वो इसके बराबर में है और इस वाली वैल्यू से बड़ा है तो बड़े का लग चुका है यहाँ पर, तो ये रिलेशन आया x और y के बीच में, तो इसका मतलब क्या है ग्रेटर इक्वल, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल y, ओके। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक बार आप देख लो,
मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। ओके, 15 और 2, 2 × 15 से आपको क्या बनाना है, माइनस का 11 यहाँ पर बनाना है, और इसी तरह से 2 × 21 से आपको क्या बनाना है, माइनस का 13 बनाना है। दोस्तों आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन को रिप्लाई करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम आप भी देने वाले हो। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मैं मिलूंगा। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी हैं जो आज के पूरे दिन में सेशंस आए हैं, आप उनको यहाँ पर देख लें। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।